हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय चैनल ट्रिपल टू चैनल रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, जो भी आपका जोडिक साइन है, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन। आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा और आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन क्या है, ओवरऑल ये वाला वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो या इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है, गाइडेंस ऑल द थ्रू आउट ऑल द वीक आप लोगों के लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप देख सकें, चाहे पिक अ कार्ड है, चाहे प्रेडिक्शंस हैं वीकली या मंथली। मैंने ओवरऑल पूरे जोडिक साइंस एरी से लेकर पाइसिस तक पूरे साल की जो प्रेडिक्शन है सब जोडिक साइंस की, वो अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पे आके अपने जोडिक साइन के लिहाज से उस प्रेडिक्शन को देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। लेट्स गो, लेट्स सी इट। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे, आपने देख लेना है आपका कौन सा जोडिक साइन है, उसी के लिहाज से आपने अपना टाइम स्टेप पे नीचे वीडियो को देखना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में आपने मुझे अपना फीडबैक जरूर देना है। लेट्स गो। तो सबसे पहले हैं फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, ओवरऑल क्या एनर्जी है इस वीक के लिए, आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं या क्या चल रहा है, आपको क्या ज़रूरत है सुनने की। सो लेट्स गो, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। हमारे पास है डॉटर ऑफ कप, यहाँ पे है टू ऑफ सोर्ड्स, और हमारे पास है नाइन ऑफ स्टाफ, फिर हमारे पास है सेवन ऑफ वांड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, और हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल्स। मॉडर्न मंदिर हमारे पास है स्टार। आप लोगों के लिए डेफिनेटली चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार कार्ड है, क्योंकि जो चीज़ आप विश कर रहे हैं, जो चीज़ आप मांग रहे हैं, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी, इट्स लाइक डेस्टिनी। लेकिन नाइन ऑफ सोर्ड्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, और ये वाला वीक आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेंशन में रहेगा, कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा। और वाई स्ट्रेस में क्यों रहेगा, एक तो ये चीज़ है कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, या जो चीज़ आपको चाहिए उसका आपको इस लाइक कि आपको वो रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, आप चाहते हो कि वो अभी अभी चीज़ हो जाए, ये कब होगी, उस चीज़ की आपको टेंशन है। और जब टाइमिंग पे है तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टार कार्ड है, तो इसका मतलब ये चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं। आपके बस में ये होता है कि आप मेहनत करें, आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्क कर रहे हैं, चाहे आप जॉब की तलाश में हैं, आप गिव अप मत करें। सेवन ऑफ वांड्स का मतलब ये है कि आप उस होप पे गिव अप मत करें, ठीक है, वो जो चीज़ आपको चाहिए या जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हो या जो भी आपकी विश है, आपका ड्रीम है, उस पर गिव अप मत करें आप। वो टाइम आपको ज़रूर वो चीज़ देगा, एंड ऐसा लग रहा है कि आप उस रास्ते पे हैं, वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है, लेकिन उसको टाइम लग रहा है आपके पास आने में, उस चीज़ को पाने में, या जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए स्ट्रगल भी हो सकती है, क्योंकि आपको लगता है आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना आप यू नो कोशिश कर रहे हैं, आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ वांड्स और नाइन ऑफ वांड्स है, जो ये बता रहा है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको वो लेट से आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, ठीक है, अपने पार्टनर की तरफ से या इवन फैमिली की तरफ से, या जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं, आपको लगता है वहाँ पर वो लोग कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जितना भी आप कर लें, आप अपना 100% भी दे दें, वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल में हो सकते हैं, तो इस वीक हो सकता है थोड़ा सा आपके एक्सपेंसेस हो जाएं, खर्चे हो जाएं, या थोड़ा सा हाथ तंग हो सकता है फाइनेंशियली, अगर आप हाउस वाइफ हैं, या आप थोड़ा सा आपके खर्चे बढ़ भी सकते हैं किसी चीज़ को लेके, या आपको अगर आप जॉबलेस हैं इस वक्त, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस है, स्ट्रगल चल रही है आपकी, कि मैं कैसे आपको वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए जो आप अचीव करना चाह रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप जितना ट्राई कर रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। गिव अप मत करें अपनी होप पे, या जो आप वर्क कर रहे हैं, लेट्स से क्रिएटिव वर्क है विद द नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, डॉटर ऑफ कप्स, आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उसमें, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आपको पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही, या जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपकी प्रमोशन हो जाए या आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक हो जाए, वो उस तरह नहीं हो रहा है, इट्स ओके, लेकिन आप कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहें, गिव अप मत करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो जो आप कंसिस्टेंट जिस चीज़ को लेके चलते रहेंगे, वो चीज़ आपको डेफिनेटली एक ना एक दिन तो ज़रूर सक्सेस देगी और आपको मिलेगी वो चीज़, लेकिन इस वक्त आपको वो चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप बहुत टेंशन में हैं। आप ऐसे कुछ लोग आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं या डार्क एनर्जी में हो सकते हैं, आप ऐसे कुछ लोग काफ़ी आइसोलेटेड फील करेंगे इस वीक, या आप लोनली फील कर रहे हैं ऑलरेडी, आपको लगता है कि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे,
लोगों के साथ, या स्पेशली अगर जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, आप पे ये भी उस कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको इनसिक्योरिटी अपने अंदर हो सकती है, कि जिस तरह से आपको शादी की टेंशन भी हो सकती है अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये टेंशन है कि कब शादी होगी। देखिए आपके कंट्रोल में तो कुछ नहीं है, जितना आप स्ट्रेस हो जाएं, जितना आप टेंशन, आपको खुद की टेंशन है शादी की या किसी और की लेके, लेट से आपके घर में कोई टेंशन है शादी की या जो भी है, ये चीज़ किस्मत में है, ठीक है। तो आप वो चीज़ आपको मिलेगी, आप लेकिन ट्रस्ट करें, फेथ करें, कोशिश करें, बाकी जो चीज़ होगा वो आपको रिजल्ट नज़र आएगा उसका। यहाँ पे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है, जो काफ़ी रिफ्लेक्ट करेंगी इस वीक। इनसिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ चाहिए या आप खुद काफ़ी इनसिक्योर फील करेंगे अपनी लाइफ को, दूसरों के साथ जब कंपेयर करेंगे फाइनेंशियली, इमोशनली, रोमांटिकली, जब आपको लगेगा कि इर्द गिर्द सब खुश है, मैं खुश नहीं हूँ, ऐसी चीज़ नहीं है। आप अपनी लाइफ में देखें कि आपको कहाँ इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। इट्स लाइक अ डार्कनेस, आप देख सकते हो कितने कार्ड यहाँ पे डार्क हैं, और एक ही पॉजिटिव कार्ड है, और ये वाला कार्ड जो ये बात कर रहा है कि चलते रहिए, रुकिए मत, सफ़र आपका जारी रहना चाहिए, बी होपफुल, गिव अप मत करें। अगर आप इस तरह से ही सोचेंगे तो फिर आपको, फिर आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको किसी का इंतज़ार भी हो सकता है, किसी के मैसेज का, किसी की कॉल का, किसी का आपको अब लगता है कि आपने शायद ऑलरेडी गिव अप कर दिया, या आपको लगता है आप कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो डेफिनेटली अभी भी होप है। आपको किसी पे क्रश भी हो सकता है, लेकिन आप एक्सप्रेस करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको लगता है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा, कोई चांस ही नहीं है कि आप दोनों दोबारा हों, मिलें, या जो भी हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, तो आप हिम्मत तो करें, आप गिव अप मत करें, होप है यहाँ पे अभी भी। आप अगर ये चीज़ कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही आपको इस इंसान का मैसेज मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा, या जो चीज़ आपको चाहिए, इट्स ऑन द वे। एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, इट्स ऑन द वे, लेकिन आपको इस वक्त अभी नज़र नहीं आ रहा है। बिहाइंड द सीन्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ये आपका अपना माइंड है जो ओवरथिंक कर रहा है, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचे जा रहे हैं, और ये चीज़ फिर आपको नेगेटिविटी की तरफ ही लेके जाएगी। हेल्थ का इशू भी हो सकता है इसी वजह से, लेकिन कुछ लोगों के लिए हेल्थ मुझे लग रहा है इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी, अगर आप इस सिचुएशन से खुद थोड़ी सी हिम्मत करें, क्योंकि विद द सेवन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ वांड्स, कोई और आके आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको खुद थोड़ी सी ये हिम्मत पकड़नी है, करेजस पकड़ना है कि मुझे यहाँ से निकलना है इस सिचुएशन से, मेंटली है चाहे इमोशनली है। यहाँ पे आप कब तक बैठे रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे, कब तक इस तरह से फील करते रहेंगे? व्हाई स्टैंड अप, डू इट समथिंग फॉर योरसेल्फ, बहुत ही क्लियर मैसेज है। तो आपने अपने रास्ते पे खुद चलना है, आपने अपने आप को खुद हील करना है, आपने खुद अपना सितारा बनाना है, आपने खुद अपना डेस्टिनी बनानी है, आपने खुद अपनी किस्मत बनानी है, आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आप में से कुछ लोग ये भी कंफ्यूज है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है अभी तक, किस रास्ते पे जाना है, कौन सा करियर आपके लिए ठीक है, कौन सी चॉइस आपके लिए ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, मतलब आपको समझ नहीं आ रही कि वेयर आर यू गोइंग। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही कंफ्यूज अपनी लाइफ में, आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ जा रहे हैं आप, किस्मत कहाँ लेके जा रही है आपको। यू आर वेरी लाइक होपलेस, या आप फील कर सकते हैं, या ऑलरेडी फील कर रहे हो। तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप निकलें सिचुएशन से, हिम्मत पकड़ें और उठें और निकलें सिचुएशन से, अदरवाइज़ इट्स लाइक आप इसी सिचुएशन में रहेंगे, डार्कनेस में रहेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। आप अगर आइसोलेटेड फील कर रहे हैं तो वो चीज़ करें जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपको खुशी फील होती है, जिसमें आप क्रिएटिव फील करते हैं, या अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं और उसमें आपको डिसअपॉइंटेड और डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि अपना भी ख्याल रखें, ये देखें कि आपको कहाँ खुशी मिलती है, या कौन आपको खुश कर रहा है, व्हाट मैटर्स टू यू, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। फाइनेंशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, या आपके जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं उसमें मिलेगी चीज़, यू आर ऑन द वे, डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी, सब्र से, हिम्मत से, और स्ट्रांग चीज़ आपको मिलेगी, जो चीज़ आप प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हीलिंग की भी ज़रूरत है, अपने आप को हील करें, अपने आप को इस सिचुएशन से निकालें, या आप कोई है जो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, उस इंसान की एनर्जी है, वो काफ़ी डार्कनेस में है, उनको नहीं समझ आ रही कि आप कैसे इस सिचुएशन से निकलना है, कैसे इन चीज़ों को फिक्स करना है। तो शायद अगर आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो आप उस इंसान की तरफ खुद अप्रोच कर सकते हैं, तो आप दोनों के दरमियान में ये मसला हल हो सकता है। ये जो भी इंसान है, फ्रेंड है, लवर है, पार्टनर है, या इवन फैमिली मेम्बर कोई भी है, ये कुछ है आप दोनों के दरमियान में जो ये इंसान को लगता है कि ये चीज़ अब सॉल्व नहीं हो सकती। यस, एक्सेप्टेंस यहाँ पर ज़रूरी है कि आप एक्सेप्ट करें जो चीज़ हो गया हो रहा है। तो कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, और कुछ चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि अपनी करंट सिचुएशन को आपको हैंडल करना चाहिए ग्रेसफुली। लेकिन किस सिचुएशन से आपको बाहर भी निकलना है, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे, स्टक हैं आप सिचुएशन में। यस, मैंने आपसे पहले बोला था, दिस इज़ योर कार्ड, स्ट्रेंथ, बी स्ट्रांग, गिव अप मत करें अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे, और अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी माइंडसेट की तरफ लेके जाएं। जो चीज़ आपको चाहिए, यू कैन मैनिफेस्ट इट, आपको वो चीज़ मिल सकती है। बट ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, या आप नहीं कर सकते। नो, यू कैन डू इट। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस में रहना है, चीज़ों को मैनेज करना है, बी स्ट्रांग। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इस वीक में आपको ट्रिगर कर सकती हैं, लेकिन आपने बैलेंस में रखना है, अपने आप को बैलेंस में रखें।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी बैलेंस और हेल्दी बाउंड्रीज. आपने बाउंड्रीज बना के रखनी है. आपको पता होना चाहिए कि किसको आपको एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं करना, क्या चीज़ आपने करनी है, क्या चीज़ आपके कंट्रोल में है और क्या चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, तो ये है आपके लिए वीकली रीडिंग. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. जी, नेक्स्ट साइन है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो. आप लोग का जो टाइम स्टैम्प है वो 10:10, तो आप हो सकता है 10:10 नंबर बहुत देख रहे हैं, 11:11 इस तरह के नंबर आप बहुत देख रहे हैं. तो ये ग्रोथ और सक्सेस की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है. इस तरह लग रहा है आपकी लाइफ में ये चीज़ आ रही है या आप इस तरह बढ़ रहे हैं. आप एक एग्जैक्टली सही रास्ते पर हैं अबंडेंस के, सक्सेस के, और ये चीज़ आपको बहुत ग्रो करेगी. चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो. या लुक एट दिस, मैंने आपको पहले बोला था मैजिशियन. डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं. कोई चीज़ है जो आपको चाहिए, कोई चीज़ है जो आप बिल्कुल लगन के साथ, मेहनत के साथ, हार्डवर्क के साथ और पूरे दिल के साथ आप वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं. आप में से काफ़ी सारे लोग क्रिएटिव हो सकते हैं क्योंकि बिकॉज यू आर वाटर साइन, तो आप लोग डेफिनेटली क्रिएटिव चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, या आप ऑलरेडी क्रिएटिव फील्ड से हैं, या आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं. बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त कि अपना टाइम वेस्ट मत करें एंड बी क्रिएटिव. या आप अपने जो आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उसमें आप काफ़ी क्रिएटिव फील करेंगे. ये वाला वीक आप लोगों के लिए काफ़ी बिजी भी रहेगा, कम्युनिकेशन वाइज, स्टडी वाइज, ठीक है, एजुकेशन वाइज कुछ सीखेंगे भी सही, लर्न भी करेंगे. और आप में से कुछ लोग शायद नया आपके अंदर एक अवेयरनेस आ रही है या कुछ आप नया सीखना चाह रहे हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा. यस, 7 of Swords और हमारे पास है शाबानो एम्प्रेस. आप हो सकते हैं जेमिनी, वर्गो, टॉरस या लिब्रा के साथ डील करें. हमारे पास है 7 of Pentacles, यस, कुछ 9 of Cups और हमारे पास है चैरियट, वेरी क्लियर. और यहाँ पे है डॉटर ऑफ स्टाफ, यस. तो इस वीक आपको डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं. 9 of Cups एंड डॉटर ऑफ स्टाफ, यस, कुछ चीज़ है जो आप सेलिब्रेट करेंगे. आप हो सकता है कोई इवेंट या पार्टी भी अटेंड करेंगे इस वीक, ठीक है, जहाँ पे डांसिंग, कोई फंक्शन, कोई इवेंट हो सकता है. या आप बहुत हल्ला गुल्ला करने वाले हैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ठीक है. या जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, फाइनली दिस पर्सन इज़ हेयर. आपको जिस मैसेज का इंतज़ार था, जिस कॉल का इंतज़ार था, या जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपको इस वीक में, ये कुछ लोगों के लिए 9 days के अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 9 to 10 days के अंदर या 20 days के अंदर आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी. यस, यू विल रिसीव दिस गुड न्यूज़. आपको अपनी मदर से रिलेटेड या डॉटर से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिलेगी. आप में से कुछ लोग कुछ सेलिब्रेट करेंगे अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स को लेके या बच्चों को लेके, ठीक है, वो भी है, सेलिब्रेशन है यहाँ पे. एक फैमिली इवेंट भी हो सकता है जहाँ पे आप अटेंड करें, ठीक है. आप जो लोग करियर वाइज है, मैं उनको डेफिनेटली यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी. यू आर वेरी वेरी क्लियर विद द एम्प्रेस एंड चैरियट कि आपको क्या चाहिए और आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे आपको चीज़ें अचीव करनी है, ठीक है. आपका बहुत ही एक क्लियर माइंड सेट है. इसी वीक से शायद आप कोई एक्शन भी लेने वाले हो जो आपकी पूरी लाइफ पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर पर डिपेंड करेगा. ये जो भी एक्शन आप लेने वाले हो, ये आपकी फ्यूचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है. मे बी हो सकता है आप अगर आप मदर हैं, आप पेरेंट हैं ऑलरेडी, तो अपने बच्चों को लेके, स्पेशली योर डॉटर को लेके आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे या कुछ इन्वेस्ट करेंगे उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है. या अगर आप खुद बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के लिए आप कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं. काफ़ी प्राउड फील होगा या आपके लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट होगा. एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोग कोई जगह विजिट भी करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उन चीज़ों को विजिट करें, उन चीज़ों को जो आपने पहले ट्रैवल भी यहाँ पे है इस वीक, लग रहा है कि आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, चाहे वो पर्सनल ट्रैवल है आपको अपनी फैमिली को लेके या खुद कहीं जाना पड़े, या कोई आपके पास भी आ सकता है, लाइक गेस्ट आर कमिंग टू यू एट योर हाउस. तो काफ़ी एक लग रहा है रियूनियन हो रही है फैमिलीज़ के दरमियान में या फ्रेंड्स के दरमियान में, रिकनेक्शन हो सकते हैं लोगों के साथ, पार्टी फार्टी, फंक्शन, ये चीज़ नज़र आ रही है इस वीक के लिए. और एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप कुछ अपने करियर में भी सेलिब्रेट करेंगे, जो चीज़ आपको अचीव होगी, यू विल फील वेरी हैप्पी. लेकिन इससे ज़्यादा आपको चाहिए, ठीक है. और कुछ लोगों के लिए आप ये चीज़ आपको करनी है, लेकिन आप इस चीज़ से भाग रहे हो. 7 of Swords and 7 of Pentacles, मतलब आप कुछ चीज़ करना चाहते हो, लेकिन आप हमेशा जब इंप्लीमेंट करने का टाइम आता है, एक्शन लेने का टाइम आता है, आप उस चीज़ से भाग रहे हो. कोई और इंसान भी हो सकता है जो आपसे भाग रहा है या भाग के गया था, वो इंसान वापस आ सकता है, आपसे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है भागा हुआ इंसान आपके पास वापस आ सकता है. लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप कहेंगे इट्स टू लेट, ये बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आपने इस इंसान की तरफ टर्न कर दिया है. आप डेफिनेटली इस इंसान की आप आगे बढ़ रहे हैं, ये इंसान आपके पीछे भाग रहा है, ये एनर्जी भी नज़र आ रही है.
कि आपका फोकस अब कहीं और है, आपकी एनर्जी कहीं और है, आपकी अपनी अपनी एनर्जी अपने फ्यूचर, अपने सक्सेस और उन चीज़ों पे है। तो ये जो भी इंसान है आपके पीछे आ रहा है, आपसे बात करना चाहता है, या इन लोगों को आप पीछे छोड़ चुके हैं, तो ये कोई है जो पास से आपके, जो आपसे भाग के गया था, या जिसके साथ आपका कोई थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट या डिसेप्शन चल रही थी, या कुछ गॉसिप वासिप, तो ये लोग आपकी तरफ अप्रोच करना चाहेंगे। कोई गॉसिप भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, स्पेशली आपकी बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, इस वीक के लिए आपने उन चीज़ों को इग्नोर करना है, क्योंकि आपका फोकस फ्यूचर पे होना चाहिए, अपनी सक्सेस पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने बच्चों पे और अपने आप पे, अपने बिजनेस पे। तो लोग आपके बिजनेस पे या फैमिली या पर्सनल, आपको बेसिकली पर्सनल या प्रोफेशनल आपको लोग ट्रिगर कर सकते हैं इस वीक, बट यू हैव टू कीप डूइंग। मुझे ऐसे एक और चीज़ भी लग रहा है कि कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपका वेट कर रहा है, या आपको जिसका इंतज़ार था वो इंसान आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि इस वीक लग रहा है आपको कोई ना कोई मैसेज या कम्युनिकेशन मिलेगा। ये कोई आपकी तरफ ये भी है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहे कि आई एम कमिंग, तो किसी से मुलाकात हो सकती है आपकी इस इंसान से, ये शायद इंसान आपको मिलना चाहे, कोई बिजनेस, ये बिजनेस डील भी हो सकती है चाहे, ठीक है, ये बिजनेस डील भी हो सकती है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी आगे, फ्यूचर की तरफ। आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, कोई आपसे डेफिनेटली अप्रोच करना चाहता है, आप आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपको पसंद करता है ये इंसान, तो किसी की तरफ से कन्फेशन आ सकता है, या कोई फ्रेंड आपको रीच आउट कर सकता है, इट्स लाइक अ रियूनियन या रिकन्सिलिएशन भी नज़र आ रहा है किसी के साथ, ठीक है। लेकिन इट्स लुक लाइक ये वो इंसान है जो आपसे भाग रहा था, या आपसे भाग रहा है, इस रिलेशनशिप से भाग रहा है, इस फ्रेंडशिप से भाग रहा है, आपको फेस करने से भाग रहा है, ये इंसान जो भी है। लेट्स सी, कुछ सेलिब्रेट करेंगे आप डेफिनेटली इस वीक, या मुझे लगता है नेक्स्ट 20 डेज़ के अंदर। अपॉलॉजी, यस, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलती की वजह से। अब ये जो इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये आपका फ्रेंड, आपका लवर, आपका पार्टनर, आपका एक्स, या इवन फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, लाइक योर मदर या डॉटर, कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, मसले का हल, मतलब जो भी इंसान है, इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलती की है, सो दे वॉन्ट टू से सॉरी। यह स्ट्रेस हो सकता है आपको इस वीक अपने वर्क को लेके, जॉब को लेके, कुछ लोगों के लिए स्टूडेंट वीक हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड या एग्ज़ाम है कोई, इस चीज़ को आप लेके काफ़ी स्ट्रेस हो सकते हो। ये इंसान भी काफ़ी स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये जो भी इंसान है। स्प्रेड योर विंग्स, यस, मुझे लगता है आपका फोकस जो है वो फ्यूचर पे है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपको आप पॉजिटिवली आगे देखना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ पे फॉरगिवनेस भी है, कोई आपसे डेफिनेटली माफ़ी मांगना चाहते हैं, इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, वो आप दोनों के दरमियान में कोई है जो आपके साथ इस मसले का हल चाहता है, वो चाहते हैं कि अब इस मसले का हल बैठ के हो जाए, इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया जाए, इस रिलेशनशिप को हैंडल कर लिया जाए, किसी की हेल्प लेके भी ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है, या इस इंसान को आपकी हेल्प की ज़रूरत भी हो सकती है, या आप ही सिर्फ इस इंसान की हेल्प कर सकते हो, ये चीज़ भी हो सकती है, तो ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है। लेकिन सेपरेट योर विंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हो, अचीव करना चाह रहे हो, अभी मज़ीद आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, और आपका फ्यूचर के प्लान्स अभी मज़ीद आगे बढ़ेंगे। आपको कोई आइडिया भी आ सकता है इसी वीक कि आपको क्या करना है, या अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, और कुछ और क्रिएटिव करना है तो वो आप कैसे करेंगे, क्या चीज़ आपने अचीव करनी है। सो बेसिकली आपका प्लान जो है वो फ्यूचर की तरफ है। सो ये आपकी रीडिंग है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी, नेक्स्ट जोडिक साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, क्या एनर्जी है इस वीक के लिए, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, या क्या होने वाला आपके लिए। ओके, हमारे पास है कुवत, स्ट्रेंथ कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपके अपना कार्ड है, फोर ऑफ कप्स। आप हो सकता है लियो के साथ, वाटर साइन के साथ, या कोई और एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। स्टार, एक्वेरियस, लीब्रा, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज टेल अस। टावर, ओ माय गॉड, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इट्स लाइक अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। बहुत ही क्लियर चीज़ है, एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, आपका पास से, या तो आप किसी पास वाले इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या कोई पास से आपकी तरफ आ सकता है इस वीक, बहुत ही क्लियर यहाँ पे साइन है, या किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो पास में हो चुकी, वो इंसिडेंट, वो वाक्या, वो ब्रेकअप, वो सेपरेशन, जो चीज़ भी ये चीज़ आपकी लाइफ में हुई थी, उसके बारे में आपको इस वीक में वो ट्रूथ नज़र आएगा, फाइनली आपको सिचुएशन खुल के सामने नज़र आएगी कि है क्या। आप हो सकता है किसी को मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है, आप हो सकता है इस वीक किसी को मिस करें, स्पेशली योर चिल्ड्रन, अगर आप अपने बच्चों से दूर हैं, यू विल मिस योर चिल्ड्रन, या आप अपने पेरेंट्स को मिस करेंगे अगर आप खुद बच्चे हैं,
ठीक है, आपको लगेगा कि योर पेरेंट्स इज़ फार अवे, या आप अपने बचपन को मिस करेंगे, वो पुरानी यादों को, वो पुरानी अच्छी अच्छे दिन, यादगार चीज़ें। तो ये पास्ट वाली चीज़ है, कोई एक्स भी हो सकता है पास्ट से। विद द सिक्स ऑफ कप्स डेफिनेटली पास्ट वाली एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, यहाँ पे स्टार है और सिक्स ऑफ कप्स, ये सोलमेट की एनर्जी बात करते हैं, और यहाँ पे सन भी है। तो डेफिनेटली ये इंसान लियो या एक्वेरियस है। एरीज हो सकता है ये इंसान, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, वाटर साइन भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। तो ये वाला वीक आप लोगों के लिए थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, या ये इंसान बहुत इमोशनल होकर आपके पास अप्रोच करेगा। अब कुछ लोगों के लिए आपके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपका अपना बच्चा हो सकता है जो आपकी तरफ रीच आउट करे, तो थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है। इस वीक में आप काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हैं। अगर आपकी किसी के साथ कोई तू तू मैं होती है तो उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे। इमोशनल बर्स्ट आउट हो सकता है आपके ऊपर, इमोशनल आप काफ़ी सेंसिटिव फील कर सकते हैं या लोनली फील कर सकते हैं। ये वर्क वाली जगह पे भी हो सकती है जहाँ पे लोग आपको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे अपने आप को स्ट्रांग रखना है, क्योंकि ये लोग आपकी, ऐसा लग रहा है कि कोई आपके सब्र का जो है वो इम्तिहान ले सकता है इस वीक के लिए, आपके पेशेंस का, आपके सब्र का, आपकी हिम्मत का इम्तिहान हो सकता है इस वीक के लिए। लेकिन आपने स्ट्रांग रहना है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यू आर वेरी स्मार्ट। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको समझ नहीं आ रही इस वक्त कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको कहाँ किस तरफ जा रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हैं आप इस वीक में। आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करेंगे, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ है जो आपको लग रहा है कि कोई रिग्रेट हो सकता है, या कोई पास से आपकी तरफ आ सकता है, उस इंसान को रिग्रेट हो सकता है, या वो इंसान हो सकता है जिसने आपको रिजेक्ट किया, आपको हर्ट किया था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द अदल, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है इट्स टू लेट। ये वो इंसान भी हो सकता है जिस पे आपको कभी कोई क्रश था, आप लाइक करते थे, पसंद करते थे, या आपने कभी सोचा था कि हम दोनों कभी एक होंगे, कभी शादी करेंगे। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपने फ्यूचर के प्लान बनाए थे, सब कुछ टूट गया, पास्ट में ही रह गया, ठीक है। कोई बचपन का फ्रेंड भी हो सकता है, या ओल्ड फ्रेंड भी आपकी लाइफ में आ सकता है, या उनके साथ आपकी रियूनियन, रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ शायद आपका किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ या ओल्ड लवर के साथ कोई पुराना वाक्या है, जो उस इंसान के साथ आपका कोई थोड़ा बहुत हुआ था, तो इस वीक में या नेक्स्ट, मुझे लगता है 20 डेज़ के अंदर, 11 या 17 डेज़ के अंदर आप डेफिनेटली इस इंसान से सुनेंगे, बात करेंगे, या आपकी मुलाकात होगी, या कुछ चीज़ है जो आप डिस्कस करेंगे। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर से खाई जा रही है, प्लीज़ लेट इट आउट, क्योंकि जब आप अपने अंदर से घुटते जाएंगे और बात नहीं करेंगे, तो आपको वो चीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रगल होती जाएगी। ऐसा लग रहा है आपने काफ़ी अरसे से अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो आप काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, अचानक ही फट सकते हैं, या अचानक ये इंसान आपके ऊपर फट सकता है, आपके 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 सामने खुल के आ सकता है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी इमोशनल फील कर रहा होगा बहुत ज़्यादा। कोई आपको मिस कर रहा है डेफिनेटली, सिक्स ऑफ कप्स, ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है, या आपका फ्रेंड, लवर, सोलमेट, पास, कोई आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है विद द सिक्स ऑफ कप्स। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू रिलेशनशिप है, मतलब इस इंसान को समझ नहीं आ रही वो क्यों इतना इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, इमोशनल फ्रेंड, तो हो सकता है ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहे, फ्रेंडशिप करना चाहे, लेकिन आपने वही डिसाइड करना है जो सही है, यहाँ पे बेटर है। यहाँ पे स्टार और जस्टिस कार्ड है, तो ये डेफिनेटली सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं, आपके अंदर एक ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये है कि आपके अंदर ग्रोथ हो रही है, आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं। ये इजी नहीं है, ये बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको मज़ीद स्ट्रांग बना रही है, इमोशनली स्ट्रांग बना रही हैं, आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बना रही हैं, आपको इंडिपेंडेंट बना रही हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको फाइनली अब रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या गलती की है, आपके और उनके रिलेशनशिप और इस कनेक्शन के बारे में उनको रियलाइज़ होगा। कोई है जो रिग्रेट में है, हर्ट है, सैड है, डिसअपॉइंटेड है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं और वो चीज़ें आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है विद द स्ट्रेंथ कार्ड, पहला कार्ड ही यहाँ पे हो रहा है, बॉटल अप करना, या तो आप हैं ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के, आप इन चीज़ों को नहीं बाहर निकाल रहे, जो आपको हील करनी है, इन चीज़ों को बाहर निकालें अपने सिस्टम से, अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, बोलें वो चीज़ें जो आपको हर्ट कर रही हैं, खुद से बोलें, उन लोगों से बोलें। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप अपने आप को ही अंदर अंदर से एक डिप्रेशन का शिकार बना रहे हैं, या अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप पास से भी आपको हर्ट हो रही हैं, ट्रॉमा हो सकता है, बचपन का ट्रॉमा भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये बचपन का ट्रॉमा है। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आप नहीं भूल पा रहे। लेट योर इनर चाइल्ड आउट, ये आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रेंथ कार्ड में, दैट्स वाई लव दिस सूफी टैरो डेक, आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, इट्स अ लायन, बट यहाँ पे एक बच्चा है, तो ये अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकालें, बी स्ट्रांग। आप जितना कोशिश करेंगे दिखाने के दैट आई एम लायन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कोई आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है दैट आई एम कूल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर से उस इंसान को पड़ता है ये फ़र्क,
या अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है तो स्पीक अप विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. आपको अपने लिए भी स्टैंड लेना है. कुछ लोगों के लिए इस वीक आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आपकी जो आप काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे या आप काफ़ी अरसे से एक किस्म की वेट कर रहे थे, उस चीज़ की वो विश भी आपकी पूरी हो सकती है. ठीक है, प्रमोशन आपको मिल सकती है जो लोग मेहनत कर रहे हैं अपनी वर्क वाली जगह पे हैं, या स्टडी एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ है जो आप सेलिब्रेट करेंगे या अपनी या अपने बच्चों से रिलेटेड. कुछ लोगों आप लोग बहुत स्ट्रेस आउट हो रहे हैं अपनी शादी को लेके, या आपको लगता है व्हेन विल बी योर टाइम, आपको लगता है आपकी स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, कब आपकी आपकी लाइफ में आपको ये जॉब मिलेगी जो एक ऐसा लग रहा है आपका कोई ड्रीम है, ये कब आपको ड्रीम जॉब मिलेगी, ड्रीम पार्टनर मिलेगा, या आप जिस पे क्रश है, जिस पे जिस इंसान को आप पसंद करते हैं आप उनको नहीं बता पा रहे, या जिसने आपको रिजेक्ट किया है उस इंसान की रिजेक्शन से आप नहीं ओवरकम कर पा रहे. कुछ है आप दोनों के दरमियान में जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ. ये और ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस करें, आप उनको करें, आप उनको लेके कन्फ्यूज़ हैं, वो आपको लेके कन्फ्यूज़ हैं, तो कुछ सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है. ये कन्फ्यूजन रिलेशनशिप में भी हो सकती है, या जिस इंसान को आप पसंद करते हैं, मतलब आपको क्रश है लेकिन आप बता नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं कर पा रहे, शायद आप मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि ये अगेन ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के दरमियान में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ आ रही उनके बारे में, उनको आपके बारे में. ये मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों और फैमिली के दरमियान में हो सकती है, मतलब अगर आप पेरेंट हैं बच्चे हैं तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या सिबलिंग्स के साथ, ठीक है, बहन भाइयों के साथ या फ्रेंड्स के साथ भी इस वीक आपका थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जिसको लेकर आप काफ़ी, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाएंगे, बट इट्स ओके, रिलैक्स, आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है. हो सकता है जो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं अगले इंसान को नहीं समझ आ रही, बट कीप प्रेइंग. मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली आपकी विश कोई पूरी होने वाली है या बहुत जल्द पूरी होगी. यू विल बी हैप्पी, आप डेफिनेटली कोई आपको गुड न्यूज़ मिलेगी ऊपर वाले की तरफ से, सब्र का फल आपको मिलेगा, या डिसीजन है कोई चीज़ है जो आपको डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है, या जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं उनका ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, या रिट्रीट. मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में इस वक्त सेपरेशन हो सकती है, या बात नहीं कर रहे, या आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना है क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस आउट हो रहे हैं. रिलैक्स रहें, या रिजॉल्विंग इश्यूज़, इस इंसान के साथ आपका कोई इशू हो सकता है जो वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, उसे बात करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, या डेडिकेशन, अपने वर्क से डेडिकेटेड रहिए, एजुकेशन से डेडिकेटेड रहिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी उसमें, या पीस. आप हो सकते हैं किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें जो अमेरिका में होते हैं, लाइक USA, या आपका कोई वीज़ा लग सकता है बाहर का, आप वो सोच रहे हैं बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, एजुकेशन को लेके या स्टडी को लेके या इवन जॉब को लेके, या किसी ऐसे इंसान के साथ आप रिलेशनशिप वाइज डील कर रहे हैं. सो पीस एंड कंटेंटमेंट आर कमिंग टू यू. ऐसा लग रहा है कि आपके सारे मसले हल होने वाले हैं, पीस की तरफ बढ़ने वाले हैं, जब आपके अपने अंदर का जो शोर है वो बंद हो जाएगा, और जो मसला है जो आपको फाइनली आपको नज़र आएगा कि मसला क्या है. सो बी पेशेंट, जो चीज़ें हैं आप अपने इनर चाइल्ड को बाहर निकालें, हील करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या जो मसला है वो फाइनली अब पीस की तरफ बढ़ रहा है, आपको वो मसला सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए, या जो आप फैमिली का मसला है जो भी है, ठीक है, ये आपकी रीडिंग है. आई विल सी यू लेटर. हेलो जी, अब देखते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन द लास्ट वन आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा. वी हैव नर्व्स, दिस इज़ अ डेवल कार्ड, सबर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, टावर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, हमारे पास तीन कार्ड आए हैं और तीनों मेजर अर्कान हैं, तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली कोई इस वीक में बहुत बड़ा कोई इवेंट होने वाला है, या आप एक बहुत बड़े सरप्राइज से गुजरेंगे. कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप ऐसा लग रहे हैं कि आप इंटरनली किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, या कोई आउटर इन्फ्लुएंस, मतलब बाहर का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जो आपको ट्रिगर कर सकता है. ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, शॉक हो जाएंगे आप, सरप्राइज हो जाएंगे, या कोई आपको ट्रिगर कर सकता है, प्रोवोक कर सकता है, जिससे आप बहुत गुस्से में आ जाएंगे, आग बगोला हो सकते हैं, या कोई आपके साथ आग बगोला हो सकता है. यस, थ्री ऑफ वांड्स, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी ऐसी सिचुएशन में है जिससे आप बाहर निकल. ओके, दिस पर्सन, शाह ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये इंसान, ओके, ये इंसान एयर साइन हो सकता है, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, वाटर साइन में कैंसर या पाइसिस हो सकता है ये इंसान, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे बाय द वे. ओके, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, लेट्स सी व्हाट इज दैट. ये दोनों कार्ड्स क्या बात कर रहे हैं, प्लीज़ क्लियर मी, व्हाट इज दैट. ओके, शाह,
ओह माय गॉड. ओके, यहाँ पे बहुत ही क्लियर है क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है दुनिया, दिस इज द वर्ल्ड कार्ड. तो आपकी जो दुनिया है, जो आपकी वर्ल्ड है, वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज होने वाली है वेरी सोन. अगर आप सिंगल हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बी सिंगल एनी मोर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी अचानक शादी हो सकती है, बात हो सकती है, अचानक रिश्ता आ सकता है जो फिक्स हो सकता है, जब भी होगा अचानक होगा. कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 16 या 20 डेज के अंदर होगा, या आपकी शादी जब भी होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कोई ब्लॉकेजेस हैं आपकी शादी में या आपकी यूनियन में, अगर आप किसी से लव भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ कप है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना लव है दोनों के दरमियान में. सो इट्स लाइक योर सोलमेट, ये सोलमेट है आपका, या कार्मिक सोलमेट आप दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है और साथ में एंजल्स भी हैं. इट्स लाइक अ डेविल भी है और एंजल भी है, डेविल एंड टेम्परेंस. तो यस, ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी कार्मिक सोल बॉन्ड है आप दोनों के दरमियान में. आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हो कि कौन है ये इंसान, कब आएगा और कब बात करेगा. अगर आप सिंगल हो तो आपको इंतज़ार है कि किससे होगी आपकी शादी और कब आएगा ये इंसान आपकी लाइफ में, ठीक है. लेकिन जो लोग ऑलरेडी एक ऐसे कार्मिक बॉन्ड में हैं किसी के साथ, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों के दरमियान में, आप दोनों एक दूसरे को नहीं भुला पा रहे, मतलब विद द वर्ल्ड टावर एंड फोर ऑफ कप्स रिवर्स, मतलब कुछ भी हो जाए आप दोनों अलहदा नहीं हो सकते, इनसेपरेबल. ये वो वाला कनेक्शन है, इट्स वेरी स्ट्रांग, इट्स वेरी इंटेंस. कोई आपकी ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस करने वाला है, मतलब जब भी ये इंसान फटेगा ये आपके सामने फट के आ जाएगा. मतलब ये वो इंसान है जो आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं. ये पास्ट का इंसान भी हो सकता है जो आपके पास सामने आके खड़ा हो जाएगा और आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये इंसान आपको नहीं छोड़ पा रहा, आप उनको नहीं छोड़ पा रहे. बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान में, या पास्ट में आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन बहुत ऑब्सेशन और इंटेंस कर रहा है. लेकिन विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे टेम्परेंस है, तो ये इंसान डेफिनेटली सोच रहा है लॉजिकली कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा सब्र कर लेता हूँ. या इस इंसान ने बहुत सब्र किया, वेट किया कि नहीं अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से अब सब्र नहीं हो रहा, वेट नहीं हो रहा, इस इंसान से वेट नहीं हो रहा. दे विल डेफिनेटली टेल यू हाउ डू दे फील. एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि इस इंसान को बहुत शॉक और सरप्राइज़ होगा कि वो आपसे कितना अट्रैक्टिव हैं, कितना आपके आने से इस इंसान की दुनिया बदल गई है, आपके आने से इस इंसान की लाइफ चेंज हो गई है. आपको मिलने के बाद भी हो सकता है शायद, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन आ रहा है. तो जब से ये सेपरेशन हुई है इस इंसान की दुनिया बदल गई है. ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप इनकी लाइफ से जाओ या आप इनको छोड़ दो. ये डेफिनेटली इंसान कुछ भी कोशिश करेगा. मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि ये इंसान कहेगा कि मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ, पूरी दुनिया से. ये इंसान आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल. मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको छोड़ना चाहेगा. ये इंसान अभी भी आपके साथ उतना ही ऑब्सेस्ड है. और ये हो सकता है ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देख रहा है, या आप दोनों के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, जो इस इंसान को लगता है ये सब कुछ कैसे होगा. तो ये इंसान डेफिनेटली एक स्ट्रेटजी बना रहा है, एक माइंड है इस इंसान का चल रहा है इस वक्त कॉन्टिन्यूसली. या आप खुद भी हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कि आपका एक माइंड चल रहा है, आप एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे होगा. आप ऐसे कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, ये रोमांस की बात नहीं हो रही, आप बाहर जाना चाहते हैं. You want to go. आप डेफिनेटली अब्रॉड जाना चाहते हैं. तो शायद आप एक स्ट्रगल है जो आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं. आप ऐसे कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा भी मज़ीद आपको सब्र की ज़रूरत है, इंतज़ार की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब भी जाएंगे अचानक ही जाएंगे, अचानक ही अनएक्सपेक्टेड ही आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है. ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकता है, या इस वक्त आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन है, आप बात नहीं कर रहे. ये भी लग रहा है कि कौन पहले बात करेगा, कौन पहले कन्फेस करेगा, ये वाली एनर्जी भी हो सकती है, या कौन पहले अप्रोच करेगा. तो ये जो भी इंसान है डेफिनेटली अब वेट नहीं कर सकता, क्योंकि इस इंसान को लगता है यू आर द वन. इस इंसान काफ़ी इमोशनल होकर आपसे बात करेगा जब भी करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसी वीक हो सकता है, या नेक्स्ट आप 14 to 16 डेज के अंदर ही, इसी जनवरी में ही होगा, बाय द एंड ऑफ द जनवरी. और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मजीद आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट 1 to 4 वीक्स तक, मतलब. या मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इंसान अप्रोच करेगा, दे कांट वेट, मतलब ये इंसान अब वेट नहीं कर सकता. इनको लगता है कि ये इस चीज़ से भाग नहीं सकते, स्केप नहीं कर सकते. और यहाँ पे एक रास्ता नज़र आ रहा है इसको, इस इंसान को गाइड हो रहा है, स्पिरिचुअली गाइडिंग हो रही है, या वेकिंग हो रही है, कि इस इंसान को लगता है कि इनको अप्रोच करना चाहिए, लड़की या लड़का जो भी है ये इंसान. कुछ लोगों के लिए आप सोशल मीडिया पे मिलेंगे, या आप ऑलरेडी ये इंसान आपको देख रहा है, सेपरेशन हो गई है, आपने ऑलरेडी एक साइकिल कंप्लीट किया इस इंसान के साथ, या आपको लगा सब कुछ खत्म हो गया, ये इंसान कभी नहीं आएगा, आप कभी हम नहीं मिलेंगे, कभी नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है. देर कमिंग. एक और चीज़, ये इंसान आपको सरप्राइज़ कर सकता है. आप में से कुछ लोग, ये आपका, आप बाहर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ. आपको थोड़ा सा मजीद वेट करना पड़ेगा, लेकिन यू विल सेलिब्रेट इट. आप डेफिनेटली इस चीज़ को आप सेलिब्रेट करेंगे, शायद नेक्स्ट 20 to 40 डेज़ के अंदर ही आप जाएँ बाहर,
ठीक है, आप में से कुछ लोग आपका जो काम है वो कंसिस्टेंट नहीं हो रहा, शायद वो सही तरीके से नहीं चल रहा, तो वो भी आपकी क्रिएटिव साइड भी आपकी एक्सप्लोर होगी, फाइनली आप जिस सिचुएशन से थे उससे बाहर निकलेंगे। कोई ऐसी चीज़ है टॉक्सिक सिचुएशन जो उसको भी आप इस वीक से ख़त्म करेंगे या नेक्स्ट 20 डेज के अंदर वो आप डेफिनेटली उस चीज़ से छुटकारा निकलेंगे, उस सिचुएशन से निकलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ है ऐसी जो इमोशनल कर देगी आपको, या ये आपकी क्रिएटिव साइड आपकी इमोशनल सिचुएशन से रिलेटेड है, या आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, ओवरवेलम हो जाएंगे, ये इंसान काफ़ी इमोशनल होकर आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है, ये जो भी इंसान है। आपकी किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है जो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकती है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे कपल नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ कपल। अगर आप सिंगल हैं यू विल डेफिनेटली बी इन अ रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, या आप ऑफिशियली डेट करेंगे, या आप रिकनसाइल होंगे, या अगर आप कुछ लोगों के लिए ये इंटेंस ब्रेकअप है जिससे आप गुजर रहे हैं, मतलब कुछ भी हो जाए आप हमेशा एक दूसरे के पास फिर वापस आ जाते हैं, ब्रेकअप खत्म होकर यू मेकअप हो जाता है, ब्रेकअप से मेकअप, ब्रेकअप से मेकअप, या आपको लगा कि ये वो इंसान है जिसको आप दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे, या कभी नहीं सुन पाएंगे, या स्प्रेड योर विंग्स। मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अब अपना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप आगे जाना चाहते हैं, आपको सक्सेस चाहिए, कुछ चीज़ अचीव भी करेंगे आप इस वीक या नेक्स्ट 20 डेज के अंदर, आपको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट फील होगी, कुछ शॉकिंग आपको करेगा, डेफिनेटली आप सरप्राइज हो जाएंगे, कुछ शॉकिंग या डीक्लटर। मुझे लग रहा है कि आप पास्ट वाली चीज़ों को निकाल रहे हैं अपनी लाइफ से, यू आर रेडी फॉर समथिंग न्यू, अपने फ्यूचर पॉजिटिव के लिए आप बहुत रेडी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप कट कर रहे हैं पास्ट से, बहुत ज़रूरी है, अगर आगे बढ़ना है तो पीछे को छोड़ना पड़ेगा, पास्ट को पास्ट से निकलना पड़ेगा। येस, मैनिफेस्टेशन, मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, जो चीज़ आपको चाहिए इट्स कमिंग। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, येस इट्स अ ट्विन फ्लेम, इट्स अ सोलमेट, जो भी है जिस पे भी आपको यकीन है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट भी है, ट्विन फ्लेम भी है, बहुत इंटेंस कनेक्शन, मैंने आपको पहले बोला है। रोमांस इज ब्लूमिंग, चाहे आप सिंगल हैं, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप, और मे बी यू आर फॉलिंग इन लव, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये ऐसा कनेक्शन है। आपको यहाँ पे मैग्नेट नजर आ रहा है, इट्स लाइक अ मैग्नेटिक कनेक्शन, मतलब कुछ भी हो जाए आप खींचे चले जा रहे हैं इस इंसान की तरफ, ये इंसान खींचा चला रहा है आपकी तरफ, इट्स लुक लाइक ये डेस्टिनी है, किस्मत है, आपको मिलवा के रहेगी, या आप दोनों का किस्मत में मिलना लिखा है, हुएवर दिस पर्सन इज, या आपके डेस्टिनी मेट है। तो जहाँ पे भी है आप परेशान हो रहे हैं, अगर ये कब आएगा, मैं कब तक सिंगल रहूँगी, कब तक सिंगल रहूँगा, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको ऑटोमेटिकली उस टाइम पे मिलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जिससे आप दोनों ही एक दूसरे से नहीं दूर रह पा सकते, नहीं रह सकते दूर, बिकॉज अ वेरी मैग्नेटिक कनेक्शन, सोलमेट, ट्रू लव। इवन डिस्टेंस भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे आप जहाँ पे भी रहते हैं, जितना भी डिस्टेंस है, यू विल कम बैक टुगेदर। तो रिकन्सिलिएशन होने वाली है किसी के साथ, यू आर कमिंग टुगेदर और यू आर फॉलिंग इन लव। कुछ लोगों के लिए आपके पास ऑप्शन या चॉइस भी हो सकती है, आप चूज़ करेंगे कि किसके साथ आपको रहना है, या आपने इस इंसान को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। समवन इज़ कमिंग टू यू, ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज़।